हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। 119 BEO की प्रतिकूल प्रविष्ट देने की मजिस्ट्रेटी जांच की मांग। देवरिया के खुर्शीद को राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार। देश भर के 46 अध्यापकों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। पुस्तकें होती है विद्यार्थी जीवन की आधारशिला। BEO ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। अब फ्री में नहीं मिलेगा राशन, इतने रुपए देने होंगे गेहूं और चावल के। बेसिक शिक्षा कक्षा 8 तक की पहली तिमाही परीक्षा सितंबर में। शिक्षक व कर्मचारी यदि बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना भूल गए तो नहीं मिलेगा वेतन। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग में 119 खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने की मजिस्ट्रेट जाँच की मांग की है। उत्तर प्रदेश विद्यालय निरीक्षक संघ खंड शिक्षा अधिकारी संघ ने गुरुवार को बैठक की और कहा कि शिक्षा निदेशक ने बिना सुनवाई का मौका देते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि दी, जबकि मान्यता का ऐप ही त्रुटिपूर्ण है। प्रदेश अध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि जिन BEO को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है या तो उस अवधि में अवकाश पर थे या फिर मोबाइल में ऐप पर पेंडेंसी प्रदर्शित नहीं हुई। संघ ने वास्तविक दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि पर प्रत्यावर्तित करने की मांग की। बैठक में बेसिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ। उन्होंने कहा कि 1988 से BEO की ना तो पदोन्नतियाँ हुई और ना ही ACPA के प्रकरणों के निस्तारण में कोई रुचि ली जा रही है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय शुक्ला, महामंत्री विरोध कुमार कन्नौजिया, संयुक्त मंत्री RP यादव, उपाध्यक्ष महिला इंदिरा, विधि मंत्री माधवराव त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष RP सिंह मौजूद रहे। लखनऊ शिक्षक दिवस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिए राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार के लिए प्रदेश से देवरिया के शिक्षक खुर्शीद अहमद का चयन किया गया है। वह कंपोजिट स्कूल सावा में पढ़ाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत 50,000 रुपये नगद प्रमाण पत्र व 1 सिल्वर मेडल मिलेगा। देश भर के 46 अध्यापकों को 5 सितंबर से शिक्षक दिवस के दिन मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। देश भर के 46 अध्यापकों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। देश भर से 46 शिक्षकों को नेशनल टीचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न मापदंडों के आधार पर नेशनल टीचर अवार्ड के लिए इन शिक्षकों का चयन किया है। पुरस्कृत होने वाले शिक्षकों और संबंधित राज्यों को भी इस आशय की सूचना बृहस्पतिवार को भेजी गई। इसमें कहा गया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। दिव्यांगता भी नहीं बनी बाधा। इस वर्ष 2 विशेष वर्ग के शिक्षकों को भी नेशनल टीचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। शारीरिक कमी के बाद भी दोनों शिक्षक शिक्षा की अलग जगाने में किसी से पीछे नहीं रहे। इसमें उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भिहल के शिक्षक प्रदीप नेगी और अंडमान निकोबार देव समूह के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बम्बू फ्लेट के PSRT रंजन कुमार विश्वास को स्पेशल वर्ग के तहत नेशनल टीचर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इन शिक्षकों को दिया जाएगा सम्मान। हरियाणा से सोनीपत जिले के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़वासनी की शिक्षिका अंजू दहिया, हिमाचल प्रदेश के चंबा स्थित GPS अनोगा स्कूल के GBT इंचार्ज युद्धवीर, शिमला के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरोंगा के वीरेंद्र कुमार, शिमला नवोदय विद्यालय के शिक्षक अमित कुमार, पंजाब के बरनाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल भीला के हेड टीचर हरप्रीत, मनसा जिले के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेटाबास के प्रिंसिपल अरुण कुमार गर्ग, लुधियाना स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल के रामचंद्रन, दिल्ली के निगम प्रतिभा विद्यालय नॉर्थ वेस्ट की शिक्षिका रजनी शर्मा, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के SDM GIC प्रतापपुर चकलुआ की प्रिंसिपल के चंद्रा जोशी, चंडीगढ़ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनास की प्रिंसिपल सीमा रानी, जम्मू कश्मीर के बारामूला गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जावेद अहमद राधर, लद्दाख के कारगिल स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कारित के शिक्षक मोहम्मद जबीर, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कापुसाइड स्कूल के सहायक शिक्षक खुर्शीद अहमद समेत 46 शिक्षकों को नेशनल टीचर अवार्ड 2022 मिलेगा। लालापुर बसारा विकासखंड इसरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय छतहरा में छात्रों को निःशुल्क पुस्तक वितरण कार्यक्रम गुरुवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख जसरा अजीत सिंह पप्पू ने कहा कि पुस्तकें विद्यार्थियों के जीवन की सबसे प्रमुख आधारशिला होती हैं। सभ्य समाज का निर्माण पुस्तकों के अध्ययन से ही हो सकता है। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी जसरा अखिलेश वर्मा के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया है। विद्यालय के 125 छात्रों को पुस्तक वितरण किया गया। प्रांगण में प्रमुख व BEO के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम का संचालन मनोज पाठक ने किया। देवशरण उपेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर SP सिंह, सरोज सिंह,
शंकरचंद द्विवेदी, देवव्रत द्विवेदी, सुभूषण सिंह, मनोज पांडे, अब्दुल कद्दूस, शकील अहमद, हरनाम सिंह, वसीम अहमद, सुमंत भार्गव सहित दर्जनों शिक्षक व बच्चे उपस्थित रहे। लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग के बीईओ ने उच्च अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गुरुवार को खंड शिक्षा अधिकारी एसोसिएशन और विद्यालय निरीक्षक संघ की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमेंद्र शुक्ला ने कहा कि बीईओ के प्रति विभागीय अधिकारी मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं। 119 बीईओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। निदेशक द्वारा खराब ऐप के आधार पर मानता स्कूलों के प्रकरण में प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है, जबकि बीईओ अवकाश पर थे। प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से इसकी शिकायत करेंगे। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय शुक्ला, महामंत्री विनोद कुमार, संयुक्त मंत्री आरपी यादव मौजूद रहे। अफ्री में नहीं मिलेगा राशन, इतने रुपए देने होंगे गेहूं और चावल के। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित राशन का कार्ड धारकों को भुगतान करना होगा। जुलाई माह का राशन वितरण 25 से 31 अगस्त के बीच बांटा जाएगा, जिसके तहत लाभार्थियों को गेहूं 2 रुपये तथा चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अभी मुफ्त में ही राशन बांटा जाएगा। प्रदेश में माह में 2 बार मुफ्त राशन बट रहा था। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण, तो दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अभी योजना में कार्डधारकों को राशन का पैसा देना होगा। इस योजना में प्रदेश सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। जुलाई माह का राशन 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच बांटा जाएगा। इसके लिए कार्डधारकों को गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो व चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को भी इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल दुबे ने बताया कि सूचना में नेफिट के तहत मिल रहा है 1 किलो नमक, 1 किलो चना, रिफाइंड आदि मुफ्त में दिया जाएगा, लेकिन राशन का पैसा देना होगा। इस योजना में पात्र गृहस्थी लाभार्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल, जबकि अंत्योदय कार्ड पर प्रति कार्ड 35 किलो 14 किलो गेहूँ और 20 किलो चावल राशन दिया जाएगा। प्रदेश में पात्र गृहस्थी लाभार्थी यूनिट संख्या लगभग 14.97 करोड़ तथा अंत्योदय कार्ड धारक यूनिट संख्या लगभग 1.31 करोड़ है। प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में पहली तिमाही परीक्षा की शुरुआत सितंबर के पहले हफ्ते में होगी। अयोध्या और लखनऊ मंडल में पहले हफ्ते और बाकी मंडलों में सितंबर के अंत तक परीक्षा होगी। दिसंबर में दूसरी तिमाही की परीक्षा पूरे प्रदेश में एक साथ होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। ये परीक्षा कक्षा 1 से 8 तक होनी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने पहली बार तिमाही परीक्षा का फैसला किया था। पहली परीक्षा जुलाई, दूसरी अक्टूबर, तीसरी जनवरी और चौथी मार्च में करवाई जानी है, लेकिन इस बार परीक्षा कम होगी। मार्च की परीक्षा वार्षिक परीक्षा के तौर पर होगी। कोविड के बाद खुले स्कूलों में इस बार कक्षा 1 में स्कूल रिटेंस कार्यक्रम चलाया गया। बाकी कक्षाओं में भी शिक्षकों का कोर्स बढ़ाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कोविड काल में स्कूल बंद रहे थे। लिहाजा पहली परीक्षा ही जुलाई की बजाय सितंबर में करवाई जानी है। परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी और सरल ऐप से जाँची जाएगी। फरुखाबाद राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। इसी आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। सितंबर से बायोमेट्रिक उपस्थित की रिपोर्ट न देने पर वेतन रोक दिया जाएगा। जिले में 7 राजकीय इंटर कॉलेज और 3 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इसमें कुछ जगह शिक्षक और कर्मचारी मनमाने तरीके से आते हैं और उपस्थित रजिस्टर पर हाजिरी लगा देते हैं। विद्यालय बंद होने के निर्धारित समय से पहले चले जाते हैं। शिक्षण कार्य में बाधा न हो इसके लिए सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति देनी होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सभी राजकीय विद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन खरीद ली है। उस पर उपस्थित लेने के बाद रजिस्टर पर भी शिक्षक और कर्मचारी को हस्ताक्षर करने होंगे। अगस्त के वेतन बिल के साथ विद्यालय के प्रधान अध्यापकों को बायोमेट्रिक उपस्थित की कॉपी भी देनी होगी। सितंबर में इस बायोमेट्रिक उपस्थित के आधार पर वेतन भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।